खुशिया बताओ ना सहाफी कैसे बनते हैं? हाँ बीबी जी, आपसे अगर अच्छा काम ठीक से नहीं होता तो आप क्यों करती हैं? क्या? अब मेरा मतलब है कि अगर आपने सहाफी बनना है तो उसके लिए सबसे पहले आप सहाफी सूट सिलवाएं जिसकी बड़ी बड़ी जेबें हों। क्यों? इसलिए आपने अगर खाना खाया भी हो तो खाने पर जा सके। बीबी जी आप मुझे अपनी एक फोटो दे ताकि मैं आपका प्रेस कार्ड बनवा दूं। प्रेस कार्ड? इसके बड़े फायदे होते हैं बीबी जी। अच्छा, जब कपड़े प्रेस करवाने हो तो भी वो कार्ड दिखाना पड़ता है? क्या खुशिया, लगता है खुशिया हमें अखबार में जॉब नहीं दिलवा सकता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, खुशिया तो हर काम कर सकता है। शर्त ये कि काम गलत हो। जब तक काम गलत ना हो तो मेरा दिमाग नहीं चलता। खुशिया, तुम्हारा जानने वाला कोई अखबार निकालता है? बीबी जी मेरे बड़े दोस्त हैं जो अखबार निकालते हैं, मैं खुद अखबार निकालता हूँ। सुबह चारपाई के नीचे गिर गया था, जाके निकाला फिर। गिरा हुआ अखबार? नहीं नहीं खुशिया, हमें किसी बड़े अखबार में जॉब चाहिए। बड़ा मतलब 4 फुट by 6 फुट का हो? खुशिया सीधी तरह से बताओ कि तुम कोई जॉब दिलवा सकते हो कि नहीं? अखबार में कोई सीट खाली है? बीबी जी मैं कल ही रोजनामा खामोशी के दफ्तर गया था, कई सीटें खाली पड़ी हुई थी, बस 1-2 सीटों पर लोग बैठे हुए थे। बीबी जी ये डेली अखबार है, इसकी खास बात यह है कि ये रोजाना छाया होता है। खुशिया हमारे साथ चलो, हमें जॉब दिलवा दो प्लीज। हेलो मंजूर, तू हाजरा किधर है? ये हाजरा तेरे पास नहीं है? ये हाजरा तो 2-3 दिन से मेरे घर नहीं आई, इसलिए तो मैंने फोन किया है। ए भैया बोला, ए काम कर, देख तू हाजरा के ऊपर है ना भरोसा नहीं करना। हाँ अरे सुनने बात को, वो तेरे से दोस्ती नहीं कर रही है, दोस्ती का नाटक कर रही है, वो जहरीली नागन हो गई है। आमिर बाबा तुलेखा के अब्बा, इतना बड़ा धोखा ये बशीर ने मेरे से करवाया। दानिश, क्या लाए हो हमारे लिए? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। दानिश तो ये डिब्बा खाली है? नहीं ना, खाली वो किधर है? आप पास हो गए आपको कैसे पता? वो अभी आपने कहा ना कि एक ऐसी बात है जिसको सुनकर हमें यकीन नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने कहा कि आप पास हो गई हैं, मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें भी, मुबारक। वो आपको पिज्जा बहुत पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। ये मैं आपके लिए लेकर आया। जी यकीन तो नहीं आ रहा।